बिहार के सर्वप्रिय मन प्रिय जाना प्रिय लोक प्रिय अति प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर आसीन बिहार सरकार के सभी यशस्वी माननीय मंत्रीगण, मंच पर आसीन सभी हमारे आदरणीय सांसद जी, सभी विधायकगण, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के सभी अधिकारीगण, अभी हम लोगों से पहले अपनी बात को रखकर गई जीविका की यशस्वी दीदीगण जिन्होंने समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया है, मैं आपको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सामने बैठे हुए हमारे स्वजन स्नेहीजन एवं भगिनीगण, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट भी कराना चाहता हूं और उनके शानदार जानदार काम के लिए उनको साधुवाद भी पूरे मिथिला की तरफ से देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय और समाज सुधार को एक साथ लेकर चलने का काम किया है, यह देश के इतिहास में और बिहार के इतिहास में एक अद्भुत मिसाल है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जितने जनप्रतिनिधिगण हैं और समाज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उसके लिए एक आदर्श मिसाल आपने पेश करने का काम किया है। जहां एक ओर आप बिहार के अंदर बिहार के कोने कोने से लोग 5.5 घंटे में पटना कैसे पहुंचे, एक ओर जहां आप उसकी चिंता पिछले 15 वर्षों में आपने किया है, तो दूसरे ओर समाज के अंदर मद निषेध कैसे हो इसकी भी चिंता आपने की है, इसके लिए पूरा मिथिला आपको साधुवाद देता है। जहां एक ओर आपने हर पंचायत में बच्चियों और बच्चों को पढ़ने के लिए हाई स्कूल कैसे हो आपने इसकी चिंता की है, तो दूसरे ओर बाल विवाह मुक्त यह बिहार कैसे बने इसकी भी चिंता आपने की है, इसके लिए पूरा बिहार आपको साधुवाद देता है। जहां एक ओर बिहार के हर पंचायत में किस प्रकार स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो इस क्षेत्र में आपने काम किया है, तो दूसरी ओर यह बिहार दहेज मुक्त कैसे हो इसकी भी चिंता आपने की है, इसके लिए भी पूरा बिहार आपको साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है। और लगातार आज तो WHO का रिपोर्ट आया माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपनी सभा में हम लोगों को भी कई बार शेयर करते हैं इस बात को कि WHO ने तो कहा है कि 40 साल से कम उम्र के बड़ी संख्या में लोग आज नौजवान साथीगण जो नशा करते हैं, नशा के कारण उनकी मौत हो रही है, उनका घर परिवार उजड़ रहा है। इस ओर पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपने ध्यान को केंद्रित किया और केवल हम विकास ही करें, हम न्याय के साथ समाज को चलाएं, ये आपने पहले 15 वर्षों में इस पर जोर देकर इसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो समाज की संतति कैसे उन्नत हो आने वाले दिनों में, या समाज कैसे उन्नत हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया कि हमारी बेटियां कैसे आत्मनिर्भर हो, उसका जीता जाता मिसाल आपने जीविका के माध्यम से समाज की महिलाओं को, समाज की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में जो आपने एक संकल्प लिया, और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जीविका की दीदियां आज कैसे अपनी बदौलत अपने परिवार को चलाकर उन्नत और समृद्ध परिवार बना करके आज देश के अंदर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चूंकि समय अभाव है, मंच पर सभी और मंत्रीगण उपस्थित है, हम लोग तो आज आपने जो ऐतिहासिक साहसिक कदम उठाया है उसके लिए साधुवाद और दिल से देना चाहते हैं, और एक आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग सभी लोगों ने मिलकर 16 के अंदर विधानसभा के अंदर संकल्प लिए थे कि न पिएंगे न पीने देंगे, इसका संकल्प जिन लोगों ने लिया था, आज कुछ लोग हैं कि अलबल बोलते हैं, भच भच करने की चिंता करते रहते हैं, कुछ इधर उधर की बात करते हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से ध्यान हटाकर जिस प्रकार आपने एक साहसिक कदम उठाया है, आप कदम बढ़ाते रहे, हम सभी आपकी मदद के साथ आपके पीछे खड़े हैं। या बिहार के अंदर मद निषेध जो आपने लाया है, जो नशा मुक्ति अभियान आपने चलाया है, इसके लिए पूरा बिहार आपका कृतज्ञ रहेगा। और मुख्यमंत्री जी अंत में एक बात कहते हुए कि मुख्यमंत्री जी
आपका यही अंदाज जमाने को जमता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यही अंदाज जमाने को जमता है कि आपका चराग जमाने के लिए जलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मनुष्य रूप में उपस्थित प्रभु को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।